आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर यूजलेस सिंबल के एक और न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम कितने शॉर्ट ट्रिक्स से उन यूजलेस सिंबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका आंसर इवैल्यूएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे पास एक ग्रामर है, एक ग्रामर एक्स A tends to x, y, z and x tends to y, z, z. Clear? And x as a non-terminal, it is produces this one and x, y and this one. Okay? Then y as a non-terminal, this is produces y and this y and x and z. Clear? And at the last, Z is produces this production and this production. Clear? सबसे पहले आप रूल नंबर सेकेंड अप्लाई कर दीजिए कि कौन कौन से नॉन टर्मिनल जो है वो टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्लियर? वो यूजलेस की कैटेगरी में आएंगे। चेक करते हैं X, ये कोई भी नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस, कोई भी टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, टर्मिनल नहीं है, ये यूजलेस हो गया। नंबर वन, Y, Y produce करता है this one, this is also not produces the terminal, that is also comes under the useless, clear? Z, ये small z को produce करता है, terminal, yes, clear? इसको modified कर लेते हैं grammar को, A tends to X, Y, Z, X, Y, Z, Z, clear? अब वन मोर थिंग, जहां जहां पर ये जो नॉन टर्मिनल है वो प्रोडक्शन हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ये प्रोडक्शन नहीं आएगा बिकॉज दिस इज इंक्लूडिंग कैपिटल एक्स। नेक्स्ट, एक्स और वाई चला गया, नेक्स्ट वी हैव अ जेड, जेड टेंस टू दिस वन एंड दिस वन। क्लियर? पहले रूल से हमको क्या मिला, वो सारे सारे नॉन टर्मिनल आपको देखना है जो कि टर्मिनल प्रोड्यूस ही नहीं करते। अगर टर्मिनल नहीं है एलिमिनेट कर दीजिए उनको ग्रामर से। ओके? और क्या करना है, ये भी चेक करना है कि वो नॉन टर्मिनल ग्रामर में जहां पर भी है वो प्रोडक्शन अलग कर दे, जैसे कि ये मैंने अलग किया है। क्लियर? नाउ अब हम रूल नंबर वन अप्लाई करते हैं रीचेबिलिटी की। क्या जो स्टार्टिंग सिंबल है वो बचे हुए नॉन टर्मिनल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। चेक करते हैं एक्स, ए हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है, ए से हमारे पास सिर्फ एक टर्मिनल आया एक्स, दूसरा टर्मिनल हमारे पास वाई आया एंड तीसरा टर्मिनल हमारे पास जेड आया। यानी इस ए से हम जेड तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है। तो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ यूजलेस सिंबल। फाइनल आंसर हमारे पास जो बचा वो बचा ए टेंस टू एक्स वाई एंड जेड, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसको क्विक कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वो सारे नॉन टर्मिनल जो ओरिजिनल ग्रामर में है चेक करें टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा डिलीट कर दें। दूसरा, जहां जहां जो आपने नॉन टर्मिनल डिलीट किया है वो चेक करिए कि प्रोडक्शन में कहां जहां पर भी हो वो सारा पोजिशन डिलीट कर दीजिए, जैसे यहाँ एक्स को मैंने डिलीट किया। थर्ड रूल नंबर लास्ट वन, आप चेक करिए कि जो भी नॉन टर्मिनल बचे हैं क्या वह स्टार्टिंग सिंबल से प्रोड्यूस होते हैं, अगर हैं तो रखिए, नहीं होते एलिमिनेट कर दीजिए लाइक दिस। क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ए एक्स वाई जेड, दिस इज ओनली द ग्रामर, नॉट हैव एनी यूजलेस प्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो, टेक केयर।